केजरीवाल सरकार ने अभी जो बजट पेश किया जिसमें 1000 रुपए महिलाओं को देने की बात करी है, क्या कहेंगे? बहुत खुश रहेंगे, गरीब का मदद करोगे तो बहुत खुश रहेंगे, सब अच्छा रहेंगे। तो आपको लगता है कि केजरीवाल के वादे जो हैं सच, वो अपने वादों पे खरे उतरेंगे? हाँ। तो आपने देखा अभी बजट पेश हुआ है दिल्ली का, हाँ जी, क्या खास लगा आपको उसमें? ये खास लगा मतलब महिलाओं के लिए जो घर पे रहती हैं, जो काम करती है, जो नहीं करती, उन सब के लिए सरकार ने 1000 रुपए देने का निश्चय लिया है। कैसा लगा था ये सुन के? लगा तो कुछ नहीं था, बट औरतों के लिए हेल्पफुल है। तो लगता है कि वो अपने वादों पे खड़े उतरेंगे और 1000 रुपए आएगा? जब बोला है तो करेंगे। केजरीवाल जी ने जो है बजट पेश किया जिसमें 1000 रुपए महिलाओं को हर महीने दिए जाएंगे, क्या कहेंगे इस पे? ये बहुत अच्छी बात है, अच्छा फैसला लिया महिलाओं के लिए। हाँ जी, बहुत अच्छा लिया। लगता है अपने वादों पे खड़े उतरेंगे? हाँ, क्यों नहीं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का झलको दिल्ली में, और आपके साथ मैं हूँ परम। बीते दिनों केजरीवाल सरकार ने 76,000 करोड़ का बजट पेश किया जिसमें काफ़ी कुछ खास बातें थी। जो मेन खास बात थी जिसमें महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये देने की बात जो है केजरीवाल सरकार ने की है, अब उस बात से दिल्ली की महिलाएं कितनी खुश हैं या कितनी नहीं खुश हैं या उन्हें इस बात पे कितना भरोसा है, ये जानने आज मैं उत्तम नगर पहुँची हूँ। और मैं मौजूद हूँ उत्तम नगर के बस टर्मिनल पे, जहाँ मैं महिलाओं से जानूंगी कि आखिर वो इस बजट में आए इस फैसले से कितनी खुश है और कितनी ना खुश है। केजरीवाल सरकार ने अभी जो बजट पेश किया जिसमें 1000 रुपए महिलाओं को देने की बात करी है, क्या कहेंगे? सबके नहीं मिल रहा है, अभी आया है ये बजट में, मुझे हर महीने महिलाओं को जो है 1000 रुपए दिए जाएंगे, नहीं मिल रहा है। आपको नहीं पता? नहीं पता भी नहीं है, मिल भी नहीं रहा है। अभी मिलेगा, अब मिलना शुरू होगा। मुझे आप खुश हैं? बहुत खुश रहेंगे, गरीब का मदद करोगे तो बहुत खुश रहेंगे, सब अच्छा रहेंगे, आप सब भी, हम सब भी। अच्छा, तो आपको लगता है कि केजरीवाल के वादे जो हैं सच, वो अपने वादों पे खड़े उतरेंगे? हाँ हाँ हाँ। तो आपने सुना होगा केजरीवाल सरकार ने अभी परसों ही जो है बजट पेश किया जिसमें महिलाओं को 1000 रुपए, तो क्या कहेंगे इस पे? यही कहेंगे जो भी किया उसने बेहतर किया, लेकिन इसका अगर लाभ मिलता है तो बेहतर है, नहीं मिलता खाली दिखाने के लिए। आपको लगता है लाभ मिलेगा? लगता तो यही है कि मिलेगा। पहले के जो वादे किए थे वो सब पूरे किए उन्होंने? पहले के जो वादे किए थे उनमें से कुछ तो आधे से ज्यादा पूरे कर दिए। ऐसे क्या वादे पूरे हुए? जैसे कि बिजली का हो गया, पानी का हो गया, और वगैरह वगैरह कुछ, मतलब अगर 5 वादे के 5 में 3 तो सच्चे उतरे हैं उसके। दिल्ली को पेरिस बनाने की बात की थी, पेरिस बन गया? पेरिस तो नहीं बना, लेकिन सुविधाएं तो हल हो गई है ना, कुछ हॉस्पिटल वगैरह की, पानी की, लाइट की, जो जो आम आदमी को चाहिए होती है वो तो पूरी हो गई है ना। अच्छा, और वो लगता है 1000 रुपए जो है महिलाओं को मिलेंगे? मिलेंगे मैम, लेकिन उसके लिए थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे वक्त का इंतजार करना पड़ता है। वक्त का मतलब जैसे जैसे उसका हिसाब किताब बनेगा, तो जो अभी तक उसने दिया हो तो और सरकारों ने तो किसी ने दिया नहीं है। क्या दिया उन्होंने? लाइट दी है, पानी दी है, हॉस्पिटलों की सुविधा दी है, स्कूलों की सुविधा दी है, और क्या? बहुत अच्छी है, और केजरीवाल अच्छे हैं, अच्छे हैं। दिल्ली में रह रही सभी महिलाएं जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है उन्हें 1000 रुपए हर महीने मिलेंगे, कितनी खुश है आप? बहुत खुश है। दिल्ली में रहती है? हाँ जी। तो सर आपको पता होगा बजट पेश हुआ है दिल्ली का जिसमें 1000 रुपए महिलाओं को हर महीने देने की बात की गई है, क्या लगता है मिलेंगे 1000 रुपए? मैम ये तो हम भी क्या बता सकती है, तो इनके ऊपर है, केजरीवाल सरकार के ऊपर है, बट ये है कि अगर देनी है हेल्प तो रियली में उनको दिया जाए जिनको जरूरत है। जैसे देखिए आप, अब इसका किराया माफ कर रखा है लेडीज, बस की किराया जो है महिलाओं का, लेडीजों का किराया माफ कर रखा है। एक अमीर की लेडीज है वो भी इसमें बैठ के जा रही है, और गरीब मजदूर जो मजदूरी करने जा रहा है वो इसमें किराया दे के बैठ रहा है। या तो गरीबों के हक में चले, उनका किराया माफ हो, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो, हम तो उस पक्ष में नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि जो गरीब है उनको हर तरह की सहूलत मिले, अगर देना चाहती है सरकार तो, है ना, और नहीं देना चाहती तो वो गवर्नमेंट की अपनी उसमें, लेकिन वो यही पब्लिक सिटी स्टंट है, बटोर रहे हैं, ले रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि जो गरीब लोग हैं, रियली में गरीब तबका है, उनको मिलना चाहिए ये हक, तो चाहे सभी को नहीं मिलना, सबको तो नहीं है। देखिए सबका तो क्वालिटी अलग अलग है, चाहे SC ST कैंडिडेट का है, रिजर्वेशन का है, किसी का, एक मान लो एक मंत्री है या पहले से मंत्री पद पर चल रहा है उसको भी रिजर्वेशन में डाला जा रहा है, एक गरीब आदमी है उसको आज तक मौका नहीं मिला, तो उसका बच्चा सेलेक्ट होगा कि इसका होगा? तो रियली तो ये है कि जो गरीब है उनको मिलना चाहिए, कोई भी हो,
ठीक है ना, और इसमें जो एक ही तबके को दे रहे हैं, मेरे हिसाब से तो गलत है मैम। कहीं ना कहीं ये वोट बैंक बढ़ाने के लिए फैसला है, तो स्टंट तो है। मेरे हिसाब से तो मैम मिलना चाहिए, गरीबों को मिलना चाहिए जो भी हक है। हाँ, आपका क्या कहना है भाई साहब इस पे? 1000 रुपए महिलाओं को हर महीने जो है देने का फैसला सरकार ने जो बजट में पेश किया वो सही है? गलत है। गलत है क्यों? क्यों? इसलिए कि उसने बहुत चीज गलत इसलिए है, इलेक्शन से पहले वो लागू कर दे या सबको खाता में डाल दे तब सही है। ये नहीं ऐसा करता है मोदी जो वो करता है ना, वो गारंटी के साथ करता है। अच्छा। ये गलत है। केजरीवाल गारंटी के साथ नहीं है, इनका वैल्यू है। ये तो पहले भी बोले थे बच्चा की कसम खा करके जो हम ये नहीं लेंगे वो नहीं लेंगे, आना हजार भी इनको अधिक किया था, 7 लाख की पर्दा लगाता है, 45 करोड़, ये अपने को बहुत अथी बनते हैं। ये नहीं जाना ही पड़ेगा। आज वो कह रहे थे हमारे सिसोदिया जी बहुत दूध के पानी के निशाप है सत्येंद्र जी, तो कोर्ट जो करता है तो आप डरते हो क्यों कोर्ट से? आप चले जाओ कोर्ट में, पब्लिक को बेवकूफ बना रहे। ये क्या, ये तो पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं। हाँ, एकदम केजरीवाल जी। अच्छा, तब क्या, तो आपको लगता है कि झूठे वादे? वह झूठे वादे हैं, झूठे वादे। हाँ, आप क्या कहेंगे? सही है, 1000 रुपए जो दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं। सही दे रहे, लगता है मिलेंगे 1000 रुपए? मिलेंगे क्यों नहीं मिलेंगे, बिजली पानी फ्री है, बस का किराया फ्री है लेडीज के लिए, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप देखो 5 उंगली बराबर नहीं होती, ठीक है, हर किसी का मुंह, हर किसी का खाना एक बराबर नहीं होता। जो केजरीवाल कर रहा है सही कर रहा है, वो लेडीज के लिए सही कर रहा, हमारी माँ बहन है उनके लिए सबसे बढ़िया कर रहा। अभी तक क्या अच्छे काम करे उन्होंने? वो तो आपको वो लेडीज को तो पता ही है जो अच्छे काम करे। बस में फ्री टिकट? हाँ जी। और जो दिल्ली की सफाई पे अगर मैं बात करूँ, कितनी स्वच्छता है दिल्ली में? देखो ये तो ये तो वर्करों की बात है ना, वर्कर काम चोर निकलेंगे। अब आपका काम है क्या करना, अब वो टाइम से नहीं करे तो वो उनकी जिम्मेदारी है ना। अच्छा, सरकार अपना काम ठीक से कर ठीक कर रही है, सबसे बढ़िया बेस्ट है, मैं तो कहता हूँ उसी को सारी दुनिया को वोट देने चाहिए। केजरीवाल को बेस्ट है, मेरे लिए तो बेस्ट है, बेस्ट है। हाँ, मैं उसके लिए सब कुछ कर सकता हूँ, अपना घर भी, अपना घर बेच के उनके पैसे दे सकता हूँ। आप अपना घर बेच के केजरीवाल को पैसे दे सकते हैं? तो देखिए ये इतने दावे जो इनके बड़े बड़े हैं कि केजरीवाल सरकार का काम इतना अच्छा है कि ये अपना घर बेच के उन्हें पैसे देंगे। यहाँ 7 MP हैं, केजरीवाल जी के MLA है, एक भी सीट नहीं जीतेगा MP से, ये नोट कर लो। देखो जीत तो जीत हार तो होती है भाई, जीते ना हारे, उनकी तो बनी हुई है सरकार, हार जाएगी उनको क्या फर्क पड़ना है, ठीक है। देखो कांग्रेस है वो जीते आ रहे, उनको तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना, तब भी वो उसमें है ना अपनी जगह पे, उनको उनके पास कोई किसी चीज की कमी नहीं है। ये देखो बच्चों के लिए बेस्ट है, स्कूल खोले, स्कूल में देखो न्यूज सुन रहे हैं आप आजकल, हाँ, कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में किस तरह बच्चों पे जो है अभी तक 3 से 4 बच्चे मर गए हैं, मार भी दो रही है, स्कूल की व्यवस्था इतनी खराब है। बता रहा हूँ इसी बात पे मैं आपको, ये आप जो जो क्वेश्चन कह रहे हैं ना वो आप सही कह रहे हैं। आप अपने माँ बाप से क्या मतलब क्या अपेक्षा करते हैं अपने माँ बाप से? हाँ। कि आप कि मेरे को ज्यादा खाना दो, माँ बाप जितना कमाएगा उतना ही तो खाना देगा आपको बढ़िया। हाँ। तो आप वो बच्चे केजरीवाल मार रहे बच्चे को। हाँ। तो स्कूल में व्यवस्था कैसी? टीचर क्या, प्रिंसिपल क्या कर रहा है? अच्छा। गार्ड क्या कर रहे? टीचर क्या कर रहा है? टीचर की क्या वो है? स्कूल में एक CCTV कैमरे नहीं लगे हुए थे? स्कूल में एक CCTV कैमरे लगे हुए थे, अब नहीं लगने चाहिए? लगने क्यों नहीं चाहिए? देखो सरकारी स्कूलों को जो है लंदन के स्कूल बनाने की बात कर रहे हैं, ठीक है, हमारा देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति केजरीवाल के साथ है? एक मिनट बात बताऊं। हाँ। हमारा देश का प्रधानमंत्री के और राष्ट्रपति हमारे केजरीवाल के साथ है, मुख्यमंत्री के साथ है, आज तक कोई किसी का साथ नहीं दे रहा। केजरीवाल अपने दम से कर रहा है और लेडीजों के लिए और बच्चों के लिए बहुत अच्छा कर रहा है, लग रहा है वो अपने कामों में सही उतरे। हाँ जी सही है, बेस्ट है, सबसे बढ़िया है, बेस्ट है। हाँ जी, दिल्ली में रहते हो? हाँ जी। तो आपने देखा अभी बजट पेश हुआ है दिल्ली का? हाँ जी। क्या खास लगा आपको उसमें? ये खास लगा मतलब महिलाओं के लिए जो घर पे रहती हैं, जो काम करती है, जो नहीं करती, उन सब के लिए सरकार ने 1000 रुपए देने का निश्चय लिया है। तो कैसा लगा था ये सुन के? लगा तो कुछ नहीं था, बट औरतों के लिए हेल्पफुल है, ये हेल्पफुल है।
तो लगता है कि वो अपने वादों पे खड़े उतरेंगे और 1,000 रुपया आएगा? जब बोला है तो करेंगे ही, करेंगे ही लगता है आपको? हाँ जी। अगर दिल्ली की मैं सफाई पे बात करूँ, दिल्ली सरकार ही है यहाँ पे, तो सफाई पे क्या कहेंगे? सफाई तो खैर मतलब यहाँ सफाई अकॉर्डिंग टू एरिया डिसाइड किया गया है। हमारे एरिया जैसे उत्तम नगर हो गया, द्वारका मोड़ हो गया, नगली स्टैंड हो गया, यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि सफाई हुई है। और बाकी जो NCR का इलाका है वहाँ तो सही है। सही है। 1,000 रुपए वाले फैसले से खुश हैं आप एज अ गर्ल, एज अ लेडी? जो अभी आपने सुना होगा केजरीवाल जी ने जो है बजट पेश किया है जिसमें 1,000 रुपए महिलाओं को हर महीने दिए जाएंगे, क्या कहेंगे इस पे? ये बहुत अच्छी बात है, अच्छा फैसला लिया महिलाओं के लिए। हाँ जी, बहुत अच्छा लिया, बहुत बढ़िया लिया। लगता है अपने वादों पे खड़े उतरेंगे? हाँ, क्यों नहीं। पहले कोई उनकी ऐसी स्कीम का लाभ मिल रहा है आपको? बस थोड़ा सा बिजली पानी में ही है, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है। राशन में है बस। बस फ्री पे क्या कहेंगे? बस वो भी बहुत अच्छी सर, अच्छी चीज है लेडीज को फ्री। हाँ, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी चीज है। आंटी, आपने न्यूज सुनी होगी जो केजरीवाल ने बजट पेश किया है जिसमें महिलाओं को 1,000 रुपए महीने दिए जाएंगे, क्या कहेंगे इस पे? अच्छी बात है, अच्छा फैसला लिया महिलाओं के लिए। लगता है वो फैसला जो है पूरा होगा या वो अपने फैसले पे खड़े उतरेंगे? खड़े उतरेंगे। पहले कोई स्कीम ले रहे हैं उनकी? नहीं। और जो ये महिलाओं को बस में फ्री किया हुआ है, इससे ठीक लगता है आपको? जब भी तो इतनी मंदी मंदी जा रही है बुआ। अच्छा, अगर जो टिकट लेती महिला तो इतनी ढील थोड़ी ना होती, फिर तो फास्ट फास्ट चलती। तो जैसे कि आपने सुना कि महिलाओं की जो है अपनी अपनी इस पे राय थी, कईयों को तो ये चीज बहुत अच्छा लग रही है फैसला कि ये महिलाओं के हक में जो फैसला आया है, वही कई जो पुरुष समाज है वो इस चीज से नाराजगी दिखा रहे हैं कि महिलाओं को इतनी सुविधा अलग से क्यों, जबकि समाज में जो है बराबरी की बात की जाती है। आप इस बजट के इस फैसले से कितना खुश हैं और कितना ना खुश हैं हमें कमेंट सेशन में जरूर बताएं, और देखते रहें झलको दिल्ली।